क्या आप माइक्रो नीडलिंग करवा चुके हैं? क्या आपको माइक्रो नीडलिंग के बाद की आफ्टर केयर के बारे में जानकारी है? आइए हम इसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी वन गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। सो माइक्रो नीडलिंग, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक प्रोसीजर है जहाँ मल्टीपल फाइन स्टराइल नीडल से आपकी स्किन में मल्टीपल होल्स किए जाते हैं और इनकी जब रिकवरी होती है, स्किन जब इनको हील करती है, तो उस टाइम पे नया कोलेजन बनता है, जिसे वजह से हम इसको कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी कहते हैं। और इस वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, उसके फाइन रिंकल्स वगैरह छुपने लग जाते हैं। लेकिन माइक्रो नीडलिंग के बाद कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं डोंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको सनलाइट से बच के रहना है। जैसे आप जानते हैं, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, सो आपको धूप से बचना है। आप कैप, हैट, सनग्लासेस के माध्यम से धूप से बच सकते हैं। इसके अलावा आप 2 से 3 दिन के बाद सनस्क्रीन लगाना शुरू कर सकते हैं। जो आप सनस्क्रीन लगाते हैं वो SPF 50 प्लस होनी चाहिए। सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका है कि बाहर जाने से 30 मिनट पहले आप इसको लगाएं, ताकि इसको एक्टिवेट होने के लिए आप 30 मिनट्स का टाइम दें, और उसके बाद आप हर 3 से 4 घंटे में इसको टॉपअप कर लें। अच्छा, अब सनलाइट के अलावा आपको धूल से बचना है, आपको स्वेटिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए गर्मियों के दिन हैं, तो प्रेफरेबली AC रूम में आपको रहना है। और क्या बातें जिनको अवॉइड करना है? कोई भी स्किन इरिटेंट्स जो हैं, जैसे कि विटामिन सी सीरम हो गया या रेटिनॉल हो गया, ये स्किन इरिटेंट्स हैं, इनको भी अवॉइड करेंगे। और सिमिलरली जो एक्सफोलिएंट्स हैं या जैसे स्किन के स्क्रब्स हैं, उनको भी आप अवॉइड करिए। अब क्या क्या डूज हैं जो हमें करने चाहिए? डूज में सबसे पहले आप माइल्ड क्लेंजर से अपने फेस को धो सकते हैं, और उसके बाद एक माइल्ड टोनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन भी आप 2 से 3 दिन के बाद लगाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेकअप आपको यूज़ नहीं करना है पहले 3 से 4 दिन। बाज़ार में बहुत अच्छे एलोवेरा जेल्स मिलते हैं, आप उनको लीजिए। घर में बने हुए जो रॉ एलोवेरा जेल होता है, उसको हम यूजुअली एडवाइज़ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कोलेजन इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स और हाइलोरोनिक एसिड सीरम्स मिलते हैं बाज़ार में, जिनका स्किन के ऊपर बहुत ही कामिंग और सूदनिंग इफेक्ट रहता है, और इनसे भी पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आपको माइक्रो नीडलिंग के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगी। इसके अलावा अगर आप माइक्रो नीडलिंग के बारे में या प्लास्टिक सर्जरी के किसी और टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।